हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। कल हमने नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखो, आज का हमारा पहला कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट है, अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे मैंने बोला कि 2, 1, 3 और 0, ये चार डिजिट दे दिए गए आपको और आपको बोला गया कि इन चार डिजिट से लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट, मतलब इन चार डिजिट से एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और इन दोनों का डिफरेंस बताओ। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, जिसमें आपकी जो रिपीटेशन होगी वो क्या होगी, नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी का मतलब क्या है कि आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या करो, जो बड़ा नंबर है ना वो लिखो, जैसे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर की, तो जो सबसे छोटा है उससे लिखना शुरू कर दो। जैसे कई बच्चे सोचेंगे कि 0 से लिख लें, 0, 1, 2, 3, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि आप अगर 0 आगे लगा दोगे तो ये तो सिर्फ 3 डिजिट का बन जाएगा, हमने क्या बनाना है, 4 डिजिट का। ठीक है, तो लार्जेस्ट तो हो गया हमारा 3, 2, 1, 0 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 1, 0 और 2 और 3। इसका डिफरेंस आपने बताना है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7, 8, 1 और 2। ठीक है, इसमें आपको अलग से बोल दिया जाएगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, अगर आपको कोई भी चार डिजिट दे दी जाए, मान लो 5 डिजिट दे दे, जैसे 5, 1, 2, 3 और 0, और आपको बोले कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लार्जेस्ट लिख लो। लार्जेस्ट तो सिंपल है, 5, 3, 2, 1, 0। स्मॉलेस्ट कैसे लिखोगे, पहले 1, 0 को यहां लिख लो, 2, 3 और 5। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7, 9, 2 और 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि 4 डिजिट या 5 डिजिट दे दिए जाएंगे आपको, उनसे बनने वाली सबसे लार्जेस्ट नंबर और उन्हीं डिजिट से बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और उनका डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये तो था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर आपसे पूछा जाए कि रिपीटेशन अलाउ है, तब कैसे करेंगे। अगर आपको बोल दे कि रिपीटेशन अलाउ है, आपको दे दिए 3, 1 और 5, 0, आपकी रिपीटेशन जो है वो क्या है, अलाउड है, तो कैसे करेंगे। देखो, लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, मतलब लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 5, 3, 1, 0। ठीक है, ये नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउ है तो 5 इसी को लिख लो, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट तो यही होगा और स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1 आगे और 0, 0 लिख लो, इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये किसमें होता है, अगर रिपीटेशन अलाउ हो तब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखो, आपको बोल दिया जाएगा टाइप फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या बोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि 100 से 200 के बीच 9 अंक कितनी बार आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 100 से 200 के बीच जो आपका 9 अंक है, 9 डिजिट है, वो कितनी बार आता है। तो देखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये खुद से सोल्व करना पड़ता है। जैसे 100 से लिखे 101 से अगर मैं 110 तक लिखूंगा तो सिर्फ 109 आएगा। ठीक है, 100 से 110 तक लिखूंगा तो सिर्फ 109 आएगा, 109
119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 199, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखो, 190 में भी नो आएगा, 91 में भी, 92, 94, 95, 96, 97 और 98, ठीक है। उसने पूछा है नो कितनी बार आएगा, तो नो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो नो कितनी बार आया है, 20 बार आया है, 20 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 100 से लेके 200 के बीच नो अंक कितनी बार आता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये गिन लेते हैं लेकिन इसको भूल जाते हैं। यहाँ नो आपका 99 है तो यहाँ दो बार काउंट होगा, सिंगल काउंट नहीं होगा, ठीक है। कभी 99 को सिंगल काउंट करो तो यहाँ दो बार काउंट होगा जब जाके 20 आंसर आएगा। कंफ्यूजन यही रहती है, ऑप्शन में 19 दे दिया जाता है, बच्चे इसको एक गिन के इसको ठीक कराते, लेकिन 19 नहीं आएगा, 20 आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे आपको बोले 1 से 100 तक दो अंक जो है, 1 से 100 तक जो दो अंक है एज अ यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक, 1 से लेके 100 तक जो दो अंक है वो एज ए यूनिट डिजिट कितनी बार आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा। याद रखना यूनिट डिजिट बोला गया है इकाई अंक, ठीक है। तो 2, 12, 22, 42, 42, 62, 62, 92, 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
भाई 191, 192, तो इसमें ले लो 21, 22, 23, 24, 25, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है यूनिट डिजिट। देखो ये होता है हमारा यूनिट डिजिट, ये तो टेंस डिजिट होता है, तो ये तो लेना ही नहीं, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने बार आया? 10 बार, 10 टाइम्स, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 21, 22 भी ले लेते हैं, यूनिट डिजिट बोला है तो सिर्फ जो इकाई अंक है वो चेक करना हमने कि वो कितनी बार आया। ठीक है, अब सेकंड टाइप देखो, आपसे बोला जाएगा कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक 5 से डिविजिबल, 1 से 200 तक 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? देखो अब अगर बेसिक से करोगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, डैश 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 200 तक ले जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, देखो 1 से लेके 200 तक जाना हमने, तो पहला क्या होगा हमारा? 5, ये तो है हमारा फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट क्या होगा? 200, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरा क्या हो, लास्ट क्या हो जाएगा? 200, तो आप क्या करो 200/5 कर लो, 200/5 आया 40, ये लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40 टाइम्स, मतलब 40 नंबर। ये चीज आई समझ में? या अगर कोई भी संख्या ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और वो 1 से शुरू हो ना, तो सिंपल कर दो लास्ट बाय जिससे डिविजिबल पूछा है वो, लास्ट क्या है? 200, 200/5, 40 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना, नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिट डिजिट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल दे दिया आपको, 578 × 546 × 198 और मल्टीप्लाई दे दिया 107। ठीक है,
तो आपसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्या पूछ लिया, यूनिट डिजिट बताओ। तो देखो यूनिट डिजिट में हमें क्या करना होता है, सिर्फ इकाई अंक लेना होता है, ये है इकाई अंक, ठीक है, जो लास्ट वाला है। देखो इससे 8 गुणा करूंगा 6 से, तो 8 6 48, यूनिट डिजिट आया 8। फिर 8 से गुणा करूंगा तो 8 8 64, तो ये आया 4। इसको 7 से करूंगा तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट क्या आया 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, सिर्फ आपने देखना है यूनिट डिजिट, जैसे 8 को 6 से किया जो यूनिट डिजिट आया वो, फिर उसको 8 से करो, फिर 7 से, ऐसे, ठीक है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ यूनिट डिजिट सोल्व करना है तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 24 × 23 × 55, ठीक है। अब एक चीज देखो, 4 × 3 = 12, मतलब यूनिट डिजिट आया 2, और 2 × 5 = 10, यूनिट डिजिट क्या आया, 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, कभी भी 5 का किसी भी इवन नंबर से, 5 का अगर मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर से तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, और अगर 5 का मल्टीप्लाई होगा ओड नंबर से तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5, ठीक है। 5 को अगर हम ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, जैसे एक ओड है 5, अगर मैं 5 को 3 से करूंगा तो भी 15, यूनिट डिजिट 5। अगर 5 को 5 से करेंगे 25 तो भी 5, 7 से करेंगे तो 35 तो भी 5, ठीक है। और इवन से करेंगे, जैसे 5 × 2 = 10 = 0, 5 × 2 = 20 = 0, 5 × 6 = 30 = 0, और 5 × 8 = 40 = 0। तो ये चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0, अगर 5 का मल्टीप्लाई ओड से हो जाए तो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगला कंसेप्ट है पावर। क्या है पावर, पावर कैसे, देखो अगर आपको बोल दिया जाए एक्स कोई नंबर है, ठीक है, एक्स क्या है, कोई नंबर है, और उसकी आपको पावर दे दी गई, जैसे आप बोलो एक्स की पावर एन, एन हमारी क्या है, पावर है, और एक्स हमारा क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। अगर अगर आपका जो पावर है, अगर आपका जो एक्स है ना, ये जो एक्स है इसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, ध्यान से सुनो, अगर एक्स की पावर दे रखी है एन, तो एक्स चेक करना है, जो एक्स है उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, तो आपका एन जो है वो कुछ भी आ जाए, एन क्या हो, कुछ भी आ जाए तो यूनिट डिजिट जो है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, अगर एक्स हमारा, एक्स का जो यूनिट डिजिट है वो 0 1 5 या 6 आ जाए, तो एक्स की पावर भले ही कितनी दे दे, हमारी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एक एग्जांपल देखो, 15976, इसकी पावर दे दी आपको 99999, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि जो एक्स है उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 1 5 6, हमारा कितना है, 6, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, 6 ही रहेगी, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 6 ही रहेगी, आपने ये याद रखना पड़ेगा, 0 1 5 6, अगर इसकी पावर कुछ भी आ जाए तो आपकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ 6 है तो 6 रहेगी, यहां 5 होता तो यहां भी 5 आ जाता, ठीक है, ये चीज होती है। अब दूसरी चीज क्या होती है इसमें, अगर आपका एक्स का यूनिट डिजिट, एक्स का जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो, 4 हो, ठीक है। अगर इसकी पावर, 4 की पावर आपको ओड दे दी जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। अगर 4 की पावर आपको इवन दे दी जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, ठीक है।
ये कैसे आता है ये भी देख लो। जैसे 4 की पावर आपको दे दी, ओड मान लेते हैं हम 7 दे दी, तो आप इसको सोल्व करके देख लो, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 4 ही आएगी। कैसे? जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 64, तो ये भी 4। अगर इवन की बात करूं तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 की 4 करेंगे तो 256, तो ये 6 आएगी। इसलिए होता है कि अगर 4 की पावर ओड हो, देखो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो, अगर ओड होगा तो 4 आएगा और इवन होगा तो आपका 6 आएगा, ठीक है। अगर x का यूनिट डिजिट 4 है, देखो 0, 1, 5, 6 है तो सेम रहेगा, अगर 4 आ जाएगा तो उसकी पावर ओड होगी तो 4, इवन होगी तो 6, ठीक है। अब सेम चीज होती है 9 के लिए, देखो 9, 1, 9 और अगर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, अगर 9 की पावर ओड हो तो क्या आ जाएगा 9, अगर 9 की पावर इवन हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, जैसे देखो हमने बात की 0, 1, 5 और 6 की, इनका क्या रहेगा सेम, 4, 9 का ऊपर बताई दिया, बचा क्या 2, 3, 7 और 8। अगर यूनिट डिजिट इसमें से हो 2, 3, 7, 8 में से हो तो जो आपकी पावर होगी ना n, उसको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। अगर डिवाइड करने के बाद उसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 4 से, अगर डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 बचता है, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है तो x की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचता है तो x की पावर 2, और अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो x की पावर 4, अगर रिमाइंडर आपका 0 बचे तो x की पावर 4, ठीक है। ये चीज आई समझ में? देखो अगर यूनिट डिजिट हो 2, 2, 3 और 7, 8, तो जो n होगा उसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 1 बचेगा तो x की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचेगा तो x की पावर 2, 3 बचेगा तो x की पावर 3, और 0 बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो x की पावर 4, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है, 2, 3, 6, 7, 3 की पावर दे दी गई आपको 9, 8, 1। देखो मैंने बताया था, क्या बताया था, 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7 और 8, अगर ये आपके यूनिट डिजिट आ जाए तो पावर को क्या करो डिवाइड बाय 4, ये यूनिट डिजिट 3 है तो 981/4। अब 4 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट के 2 को 4 से भाग दे दो, ठीक है, ये कितना जाएगा 4 × 8, रिमाइंडर बचा 1, अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो उसकी पावर 1, तो 3 की पावर 1 क्या होती है 3, ये आपका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर आपको दे दिया गया 5, 3, 2, इसकी पावर दे दी 147, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 देखा तो 47 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचा 3, तो 2 की पावर 3, 2 × 4, 4 × 8, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 8, ठीक है। अब अगला एक कंसेप्ट होता है, छोटा सा कंसेप्ट, कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे लिखें, ठीक है, या किसी भी बाइनरी को नंबर में कैसे लिखें। पहले देखो हमने 49 को बाइनरी में लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 × 4, 2 × 8, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, 12 × 24, 0, 2 × 6, 12, 0, 2 × 3, 6, 0 और 2 × 1, 2, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब बाइनरी में लिखते कैसे हैं, रिमाइंडर लिखते हैं लास्ट से, ठीक है, जैसे लास्ट क्या था हमारा,
110001। तो अगर आपको बोले किसी नंबर को बाइनरी में लिखना है तो नीचे से ऐसे शुरू हो जाना और लिख देना। अगर आपको बोले देखो चेक कैसे करते हैं कि ये नंबर सही है या नहीं, तो ये होता है 2 की पावर 0। ठीक है, ये क्या होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 0 1। अब 0 कुछ भी कर लो, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। 32 और 10 42 और 6 48 और 1 49, मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, ये होता है बाइनरी से नंबर में कैसे कन्वर्ट करें और नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या आता है हमारा, अगला कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लिया हमने 48। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसको सोल्व करो, 24 ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। मतलब 2 की पावर कितना हुआ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये हमारा क्या होता है 48। 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम है, तो ये होता है हमारा 48। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्या पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपने क्या करना है इनकी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो 4 + 1, तो आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 5। गिन लो चाहे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो आप क्या करोगे 5। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे 2 की पावर 11, 3 की पावर 12 और 5 की पावर 7, आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, तो सिंपल क्या करो इनकी पावर को ऐड कर दो 11 + 12 + 7, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर आपको बोल दे 19 की पावर 11, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, मल्टीप्लाई 17 की पावर 22 और मल्टीप्लाई 27 की पावर 11। ठीक है, अब देखो सिंपल ऐड मत करना, कभी सिंपल ऐड कर दो, मैंने कहा प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर में निकालो, 19 प्राइम है ठीक है, इसका 11 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 22, ये हो जाएगा 3 × 27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 × 27, तो इसकी 11 और इस 9 को क्या लिख सकता हूं 3 × 3, इसकी 11 और इसकी भी 11। प्राइम फैक्टर में मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, उसके टुकड़े कर दो, तो ये हो जाएगा 11 + 11 और 11 22 + 22 और 11 22 और 33। ठीक है, 22 22 44 55 और ये हो जाएगा आपका 88। ठीक है, ऐसे आप क्या निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद उसकी जो पावर है उनको ऐड कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 12, ठीक है, इसी से चारों पांचों चीज बताऊंगा। देखो 12 हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो 12 इसको सोल्व करोगे 6 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो अभी मैंने समझाया था प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, सिंपल पावर का ऐड। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे हमारे 3, यहां से काउंट कर लो 1 2 और 3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बी पॉइंट क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए,
तो देखो ऊपर पूछा गया था प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में मैंने बताया था सिंपल पावर ऐड कर दो, लेकिन आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में क्या करोगे, ये जो पावर होती है ना इसमें प्लस वन करो, मल्टीप्लाई इस पावर में भी क्या कर दो प्लस वन, ठीक है, दो और एक तीन यहां आ जाएगा दो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे सिक्स। आइए बात समझ में, अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाए ना तो सिंपल प्राइम नंबर की पावर को ऐड कर दो, अगर आपसे टोटल फैक्टर्स पूछे जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो पावर में प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और एक होता है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा और कुछ भी पूछ लेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताओ या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, इवन फैक्टर्स बताओ या क्या बताओ आप, ओड फैक्टर्स बताओ। तो ओड फैक्टर्स में क्या करना है आपने, जो ओड की पावर है ना उसमें प्लस वन कर दो, इन दोनों में ओड क्या है तीन, तो तीन की पावर क्या है एक, इसमें प्लस वन कर दो दो। अब टोटल फैक्टर्स थे छह, ओड हैं दो, तो इवन अपने आप आगे चार, ठीक है। या आप ऐसे कर दो, देखो ओड वाले में क्या करना है, ओड की पावर में प्लस वन, ठीक है, जैसे ओड कितना था एक, एक प्लस एक दो, और टोटल फैक्टर्स में से ओड माइनस कर दोगे तो वो अपने आप इवन फैक्टर्स बच जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैंने बोला 500, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे पहले, पांच से कर लेते हैं, 100, 20, 4 और 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर प्राइम फैक्टर पूछे जाएं तो 2 प्लस 3 5, टोटल फैक्टर पूछे जाएं तो मैंने क्या बताया था, पावर में एक ऐड कर दो, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 4 12। ओड पूछे जाएं तो ओड की पावर 3, 3 में 1 ऐड कर दो 4, और इवन कितने हो गए, इवन हो गए 12 माइनस 4 8, ठीक है। ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। अब एक आती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, एक लास्ट थ्योरम है, वो क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। देखो जैसे आपको बोला गया कि 42 डिवाइडेड बाय 5, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, 42/5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 8 40 प्लस 2 42, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी क्या, आप देखो 42 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 8 प्लस 2, जो प्लस करते हैं वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है, क्या होता है रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब 42 क्या होता है हमारा, ये होता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 हमारा क्या होगा भाजक मतलब डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, और जो मल्टीप्लाई में आता है वो होता है हमारा कोशेंट, ठीक है, वो क्या होता है हमारा भागफल। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है इसका, क्या बनता है कि हमारा जो डिविडेंट होता है ना, क्या होता है डिविडेंट, वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हमारा क्या बनता है एक
फॉर्मूला बनता है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, ये हमारा। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, इन अ डिवीजन क्वेश्चन द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 48 है तो डिविजिबल बताओ। ठीक है, देखो रिमाइंडर क्या दे दिया गया, 48। तो इसने क्या बोला था, डिवाइजर जो है वो 12 गुना है रिमाइंडर के, तो 12 इसने क्या बोला था, 12 टाइम्स द कोशेंट 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, तो ये हो जाएगा आपका 240। और जो कोशेंट है वो क्या हो जाएगा, 240/12, ये हो गया आपका 20। हमें क्या बताना है, डिविडेंड बताना है, वो क्या होता है आपका 240 × 20 + 48, तो ये हो जाएगा आपका 24 × 4800 + 48, तो ये हो जाएगा 48 और 48। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, कल करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।